देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर नवादा से है। नवादा जिला अधिकारी नवादा एवं पुलिस अधीक्षक नवादा के निर्देश के आलोक में वारसलीगंज थाना क्षेत्र में साइबर थाना SDPO प्रिया के नेतृत्व में चकबाय और पैनगरी आदि गांव में साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान में चकबाय से 9 और पैनगरी गांव से 9 अर्थात कुल 18 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। ये साइबर अपराधी बजाज फाइनेंस आदि के नाम पर लोगों को ठगी करता था। इस अभियान में पुलिस निरीक्षक सुजय विद्यार्थी और संजीव कुमार संग सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी, जिनमें बारसलीगंज थाना, साइबर थाना और काफी संख्या में मोटरसाइकिल जवानों को प्रतिनियुक्त किया गया था। इस अभियान में गांव के बगीचे को चारों तरफ से घेरकर साइबर अपराधियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। कुल 18 साइबर अपराधियों से 42 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल, 11 कॉपी, 150 पेज का छाया प्रति, 1,02,000 रुपया नकद बरामद किया गया। SDPO ने कहा कि लगातार साइबर अपराधियों को जड़ मूल से समाप्त करने तक आवश्यक रूप से इस अभियान को चलाया जाएगा। इस विशेष और सफल अभियान से जिले के साइबर अपराधियों में खौफ का माहौल है। नवादा जिला से सुजीत सिंह अनिल शर्मा की रिपोर्ट। हम लोगों का DM नवादा सर एवं पुलिस अधीक्षक नवादा सर के द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया था कि लगातार साइबर क्रिमिनल्स पे कार्रवाई करनी है, जिस संबंध में हम लोग लगे हुए थे। हम लोगों ने पूरी इंटेलिजेंस गैदर किया, हम लोगों ने सारा चीज़ वेरीफाई करके फिर फाइनली हम लोगों ने वारसलीगंज एरिया में रेड प्लान किया और हम लोगों ने कल 2 जगहों पे वहाँ रेड करी थी। एक चकवाय बलवापर गांव में और एक पैनगिरी गांव में। पैनगिरी में लगातार 3-4 बगीचे में कुछ लोगों का ग्रुप ये साइबर का काम करता है और उसके बाद चकवाय बलवापर जो है वहाँ पर जो तालाब है उसके पास भी बैठ के ये लोग ग्रुप में काम करते थे। ये लोग मेनली है फाइनेंस देने, लोन प्रोवाइड करने के नाम पे लोगों से ठगी करते थे। ये यूज़ करते थे धनी फाइनेंस जो इंडिया बुल्स एंड SBI लोन एंड इस्लामिक फाइनेंस, इसके नाम पे ये लोगों को ठगते थे। कल के डेट में हमें कुछ विक्टिम्स भी मिले हैं जिनसे इन्होंने पैसे लिए हैं। कुछ पुराने विक्टिम्स को भी हमने वेरीफाई किया है जिनसे इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट लिए हैं। लाइक एक से इन्होंने 56,000 लिया है जो असम का विक्टिम है और ये ऑल ओवर इंडिया फ्रॉड कर रहे थे। कुछ तमिलनाडु के विक्टिम मिले हैं, कुछ केरला के मिले हैं। अभी तक के अनुसंधान में जितने लोगों से हम बात कर पाए हैं उसमें, इस संबंध में हमने 2 कांड दर्ज किए हैं 60/23 एंड 61/23 जिस पर अनुसंधान अभी चलेगा। हमारे टीम में हमारे काफ़ी मदद वारसलीगंज थाना एवं स्वैट टीम जो हमारे पुलिस लाइन से मिलती है उन्होंने किया है और इंस्पेक्टर DSP साहब वहाँ के, ये सब हमारे साइबर थाना के लोग सभी मिलके काफ़ी अच्छे से काम किए हैं। काफ़ी दौड़े हैं सबको खेतों में, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा लेकिन बहुत ही अच्छा रहा। हमने कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 18 का नाम क्रमशः दीपक कुमार, पिता श्री कृष्ण नंदन महतो जो कि कतरीसराय नालंदा के हैं, सूरज कुमार पिता मुन्ना वर्मा पैंगरी के, राजेश कुमार पिता अनिल प्रसाद पैंगरी, प्रिंस कुमार पिता प्रदीप कुमार मगहा थाना दीपनगर नालंदा, पुणेंदु कुमार पिता स्वर्गीय अनंत सिंह पैंगरी थाना वारसलीगंज, दीपक कुमार पिता प्रदीप कुमार मगहा थाना दीपनगर नालंदा, गौतम कुमार अशोक सिंह के बेटे हैं जो पैंगरी थाना वारसलीगंज के हैं, चंदन कुमार पिता स्वर्गीय विनोद प्रसाद पैंगरी थाना वारसलीगंज, प्रशांत कुमार पिता स्वर्गीय अशोक गराई पैंगरी थाना वारसलीगंज, शंकर कुमार पिता ललन राम चकवाय बलवापर वारसलीगंज, राजपाल कुमार पिता ललन राम चकवाय बलवापर वारसलीगंज, शशि भूषण पांडे पिता अलख देव पांडे चकवाय बलवापर वारसलीगंज, कारू कुमार पिता दीपक रावत चकवाय बलवापर वारसलीगंज, राकेश रंजन पिता स्वर्गीय रविंद्र पंडित चकवाय बलवापर वारसलीगंज, मंटू कुमार पिता राजेंद्र राम चकवाय बलवापर थाना वारसलीगंज, राजू कुमार पिता मंगल राम चकवाय बलवापर थाना वारसलीगंज, चंदन कुमार पिता शिवचरण राम चकवाय बलवापर थाना वारसलीगंज, मंटू कुमार पिता सुरेश तांती चकवाय बलवापर थाना वारसलीगंज। इसमें हम लोगों ने कुल 42 मोबाइल्स जब्त किए हैं जो हमें इन लोगों के पास से और घटनास्थल से मिले हैं। हमें कुल 14 सिम भी मिले हैं और एक मोटरसाइकिल मिली है।
हमें कुछ 11 कॉपियां मिली हैं जिस पे इन्होंने कुछ कुछ लिख रखा है कि जैसे किस लोग से इन्होंने कितने पैसे लिए हैं। डेटा की छाया प्रति है जिसमें लोगों के मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नाम, ईमेल आईडी इत्यादि लिखे हुए हैं, जो कुल 150 पेज हैं। रिकवरी में हमारे पास 1,02,000 रुपये भी हैं। इन्हें अब हम लोग फॉरवर्ड करने की तैयारी कर रहे हैं और हम भविष्य में भी काम कर रहे हैं इस पे कि इनके जो ग्रुप में और लोग सम्मिलित थे जो हमें देख के भाग गए हैं उन्हें भी हम लोग जल्दी ही पकड़ लें। और निरंतर हम लोग साइबर क्राइम के अगेंस्ट काम करेंगे और नवादा से साइबर क्रिमिनल्स को बंद करना पड़ेगा अपना काम। इस दोनों गिरफ्तारी में 18 के बाद और अभियुक्त बने हैं क्या? हाँ जी। कितने अभियुक्त तो हैं? काफ़ी हैं, मोर देन 10, जो इन लोग को डेटा प्रोवाइड करते थे, जो इनको अकाउंट्स दे रहे थे, जो इनको पैसे भी बांटते थे, इस टाइप से बहुत लोग हैं। मैडम, अमूलन ये देखा जा रहा है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात या ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट फीसेज, ये उन लोगों को बनाकर कहीं ना कहीं एक मतलब फ्रॉड कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो पहले जामताड़ा था उसके बाद बार्सिलिंग इज़ द हब इन बिहार, ऑल ओवर इंडिया से जो पकड़े जा रहे हैं, क्या लगता है मोटस ऑपरेटिस किस तरह का होना चाहिए साइबर क्राइम जिस तरह से फैल रहा है नवादा में? नवादा में ऑब्वियसली वासीगंज में तो थोड़ा ज़्यादा है ही, और इस पर तो हम लोग काम करें निरंतर। इवन थाना बेसिस पे भी लास्ट टाइम 20 साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था बल्क में, अभी फिर हमने पकड़ा है। बीच में भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स में पकड़ते ही रहते हैं, तो ओवरऑल पुलिस को भी थोड़ा सा अपग्रेड होना होगा टेक्निकली और इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हैं, उसी के अनुसार हमें भी अपग्रेड होना पड़ता है।